गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सैटरडे मॉर्निंग है और मैं थोड़ा लेट करके ही आज उठी हूँ। अभी वही करीब 9 बज रहे हैं। सुबह 8 बजे एक्चुअली मैं उठ गई थी। एक बार पानी आता है ना 8 बजे, तो पानी चला के सब कुछ जो भी काम था पानी का वो करके उसके बाद मैं जाके फिर से थोड़ा लेट गई, क्योंकि आप वीकडेज में देखते ही हो मैं कितनी जल्दी उठती हूँ। अंधेरा रहता है तब उठना पड़ता है ऑफिस के चलते, तो इसलिए वीकेंड्स में मैं थोड़ा आराम आराम से ही उठती हूँ। तो अभी 9 बज रहा है, तो उठ के मैंने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। आज मैं मैदा का पूरी बनाऊँगी। बहुत दिन बाद मैदे का पूरी बन रहा है हमारे घर में, नहीं तो मैं ज़्यादातर आटे का ही बनाती हूँ। हेल्दी भी रहता है और खाने में अच्छा भी लगता है, लेकिन आज सोचा क्यों ना थोड़ा मैदे का पूरी बनाया जाए। तो पूरी का डो मैंने यहाँ पे बना दिया। और मैं ना जब सुबह 8 बजे पहले एक बार उठी थी, तभी मैंने चना बॉयल करके रख दिया था। छोले आज बना रही हूँ, तो छोले बॉयल करके रख दिए थे, तो अभी मैं उसका एक सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में पूरी बनाऊँगी। यही आज का ब्रेकफास्ट रहेगा। तो बस अभी मैं वही आलू वगैरह काट रही हूँ थोड़ा प्रिपरेशन करके, और जल्दी जल्दी से मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये बनाऊँगी, क्योंकि नहीं तो ना ब्रेकफास्ट करते करते लेट हो जाएगा। तो प्याज अदरक लहसुन और साथ में सूखे मसाले डाल के अच्छे से मसाला को भून लिया, और अभी जो छोले तो ऑलरेडी बॉयल करके रख ही दिए थे उसी को डाल दिया। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ रेडी है। बस 5-7 मिनट अच्छे से इसको बॉयल करूँगी और बस ये गर्मा गर्म रेडी हो जाएगा। पूरी के साथ खाने में तो काफ़ी टेस्टी लगता है, तो बस ये इधर होने देती हूँ और दूसरी तरफ मैं पूरी बना लेती हूँ। मतलब पूरी का डो तो मैंने पहले ही बना लिया था, तो अभी इसको पहले बेल लूँगी, सारे पूरी बेल के उसके बाद एक एक करके तलूँगी, तो ना जल्दी जल्दी हो जाता है। नहीं तो एक बेलू और फिर एक तलने जाऊँ ऐसे में ना टाइम बहुत ज्यादा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए और यहाँ पे देखिए अभी मैं जो पूरी बेल रही हूँ ना, इतना आराम से हो जा रहा है, पहले आता भी नहीं था और अभी एक बार में ही अच्छे से गोल होके पूरी बेल जाता है मुझसे। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो सही बोलते हैं, करते करते ही हम लोगों को काम आने लगता है धीरे धीरे। तो बस पूरियाँ बेलना हो गया, अभी तल लूँगी एक एक करके सारे पूरियाँ। ये रहा हमारा आज का ब्रेकफास्ट, पूरी छोले और साथ में बनाया है गर्मा गर्म चाय। तो बस अभी आराम से जल्दी जल्दी करके ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद लंच बनाने भी जाना है। और देखिए 10:30 बज गया सब कुछ प्रिपेयर करते करते। अभी करीब दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ चिकन लाने के लिए। एक्चुअली मोनूजीत के जाने का बात था, लेकिन उसका एक के बाद एक मीटिंग चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम है उसका आज। तो फिर मैं निकली जाके चिकन लेके आती हूँ। लेट हो गया है बहुत ज़्यादा, तो आने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो चिकन लेके मैं घर आ गई, और आने के बाद ही ना एकदम टाइम नहीं मिला, जल्दी से किचन में आई और अभी मैं सारा प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्याज वगैरह लहसुन वगैरह जो भी काटना है वो सब काटूंगी। चिकन को एक साइड मैंने धो के रख दिया है अच्छे से, और बस अभी जल्दी जल्दी से ये लंच बनाऊंगी। बहुत कुछ नहीं बनाना है आज, ये चिकन बनाऊंगी, साथ में कुछ एक भाजी करूंगी, और आज पुलाव बनाऊंगी, बासुंती पुलाव, येलो कलर का जो पुलाव आता है वो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से मन कर रहा था। और देखिए काम करते करते टायर्ड हो गई, तो मैं थोड़ा साथ में स्प्राइट भी ले रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी दोपहर के करीब 2:30 बज चुके हैं और मैं जस्ट नहा के आई हूँ, तो अभी हम लोग लंच कर लेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ना थोड़ी देर बैठ गई थी, तो इसलिए मतलब टाइम लग गया और देर से गई लंच बनाने। तो आज कुछ स्पेशल लंच में बनाई हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या बनाई हूँ। तो आज लंच में देखिए यहाँ पे है चिकन, एकदम भुना भुना करके मसालेदार चिकन बनाया है। साथ में है यहाँ पे बैंगन भाजी, और बनाया है आज ये देखिए, ये है
बासंती पुलाव। बहुत मन कर रहा था बासंती पुलाव और चिकन खाने का, चिकन कोशा विद बासंती पुलाव, तो आज बना दिया। बस आज वही दाल सब्जी ये सब कुछ भी नहीं बनाया, ये सिंपल सा लंच हम लोग करेंगे, बासंती पुलाव विथ चिकन कोशा एंड बैंगन भाजी। बहुत दिनों से मन कर रहा था तो आज अचानक से सोचा कि क्यों ना आज ही बना दूँ, तो मन करे तो करके खा लेना चाहिए। तो बस इसी से अभी हम लोगों का लंच होगा, तो चलिए लंच वंच कर लेती हूँ और उसके बाद शाम में आप लोगों से मिलती हूँ फिर। शाम के अभी 6:30 हो रहा है, मेरा शाम का दियाबाती करना हो गया और अभी थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। आज सैटरडे है तो मैं जा रही हूँ अभी शनि मंदिर, मोनोजीत नहीं जा रहा है आज, अकेले ही मैं जा रही हूँ, उसका उतना तबीयत ठीक नहीं लग रहा है इसलिए वो रहेगा घर पे। तो मैं अभी जाऊँगी थोड़ा सा शनि मंदिर होके आती हूँ। सैटरडे एवरी सैटरडे हम लोग जाते ही है इसलिए आज वो नहीं जा पा रहा है तो मैं जा रही हूँ। कभी कभार कहीं बाहर चले गए तो नहीं जाना होता, नहीं तो जाते हैं और फिर देखते हैं आने के बाद, देखेंगे कुछ टीवी में कुछ निकालेंगे ढूंढ के देखने के लिए। तो चलिए पहले शनि मंदिर घूम के आते हैं। पहुंच गई मैं शनि मंदिर, मेरे घर से नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलिए अभी अंदर चलती हूँ और भगवान जी का दर्शन करके आती हूँ। मंदिर से घर वापस आ गई मैं, आने के बाद थोड़ा कॉफ़ी बना के पिया था और बस अभी बैठ के टीवी में ढूंढ ढूंढ के ना आज देखा कि जवान आ गया है। जवान हम लोगों का देखना नहीं हुआ था तो नेटफ्लिक्स पे आया है शायद, तो बस अभी बैठ के वही मूवी देख रहे हैं। जस्ट कुछ देर ही हुआ है, अच्छा लग रहा है वैसे, पूरा मूवी देखने के बाद पता चलेगा कैसा है, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है मूवी। तो बस चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग माई बुक एंड जिंदगी।